नंबर देख लो, थोड़ा अलग है, वैसे है कुछ नहीं इसमें, अभी इसे भी डिफ्रेंशिएट ही करना है, लेकिन मुझे मन किया यार कि ये भी बता देता हूँ ताकि किसी भी बच्चे को दिक्कत नहीं हो, है ना। चलिए u इंटू वी पे इसको डिफ्रेंशिएट करो, इसका डिफ्रेंशिएशन मान x माइनस टू का होल स्क्वायर ऐसे ही, प्लस इसको इसको देखो इसको वैसे ही रखोगे, और इसका डिफरेंशिएशन तो हो जाएगा टू इंटू एक्स माइनस टू, और इंटू में एक्स माइनस टू का आपका वन हो जाएगा। चलिए यहाँ से एक्स माइनस टू कॉमन है, करते हैं, यहाँ बचेगा एक्स माइनस टू, ठीक है, एक्स माइनस टू, और प्लस में यहाँ बच जाएगा आपका टू इंटू एक्स माइनस वन, ठीक है, समझ गए ना, एक्स माइनस टू का वन हो गया, तो यहाँ एक्स माइनस टू एक बचेगा ना, और एक्स माइनस वन और इंटू में आपका टू बचा है, तो एक्स माइनस टू ब्रैकेट के अंदर एक्स माइनस टू और प्लस में टू एक्स माइनस टू हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे अब देखिए एक्स माइनस टू इंटू में थ्री एक्स माइनस फोर हो जाएगा, ठीक है, ये ना होगा आपका। चलिए यहाँ पे अब आगे देखते हैं, अब क्या करेंगे, तो एफ डैश एक्स बराबर में जीरो लेंगे, एफ डैश एक्स बराबर जीरो, तो एक्स माइनस टू और इंटू में थ्री एक्स माइनस फोर बराबर में जीरो, एफ डैश एक्स की चिन्ह योजना देखनी है इसलिए ऐसा कर रहे हैं। चलिए अलग अलग करो, एक्स माइनस टू बराबर जीरो यानी कि एक्स बराबर टू आ जाएगा, और थ्री एक्स माइनस फोर बराबर में जीरो यानी कि थ्री एक्स बराबर में फोर, एक्स इक्वल टू आ जाएगा फोर बाई थ्री। चलिए देखते हैं इसके लिए इसकी चिन्ह योजना, यहाँ पे ये आपका माइनस इन्फिनिटी और इधर आपका इन्फिनिटी, एफ डैश एक्स की चिन्ह योजना, चिन्ह योजना। चलिए इसको समझना ध्यान से, देखते हैं आपका दो वैल्यू जो है, दो है और चार बटा तीन है, तो चार बटा तीन पहले लिखना होगा, छोटा है और दो आपका बड़ा है। चलिए देखिए इसमें देखो, इसके बीच आपका जीरो है ना जी, जीरो है जीरो, तो इसके बीच में अगर मैं जीरो है और जीरो रखता हूँ यहाँ पे, तो ये माइनस में होगा, ठीक है, और ये भी आपका माइनस में आएगा, ये माइनस चार ये माइनस दो, तो माइनस माइनस प्लस में आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे इस अंतराल में पॉजिटिव हो जा रहा है। इसके बीच देखो, तो इसके बीच में अगर देखा जाए तो आपका आपका कितना हो जाएगा, इसके बीच में आपका फोर बाई थ्री बाई फोर का मतलब, फोर बाई थ्री का मतलब क्या है, वन पॉइंट थ्री, वन पॉइंट फाइव यानी कि थ्री बाई टू है इसके बीच में, इसका मतलब आप भाग करोगे तो वन पॉइंट थ्री आएगा ना जी, वन पॉइंट थ्री 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 आएगा, थ्री कम थ्री तीन तीन, हाँ यही आएगा ना, तो इसके बीच में आपका 1.5 तो आ जाएगा ना, इन दोनों के बीच में तो 1.5 लोगे, सोचो तो 1.5 लोगे तो ये माइनस में आएगा ना जी, माइनस में आएगा, और ये आपका 1.5 लोगे तो तीन में इंटू होगा तो आपका हो जाएगा 4.5, और घटेगा ये प्लस में आएगा और यहाँ माइनस में, यानी कि ये माइनस हो जाएगा। चलिए इसके बीच में, तो इसके बीच में आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे थ्री ले लो तो ये पॉजिटिव, थ्री ले लिए तो तीन गया, नौ नौ में से चार गया आपका पाँच, तो ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, तो इंटू होगा तो प्लस में ही आ गया, यानी कि टू से इन्फिनिटी के बीच आपका प्लस में आ रहा है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि अंतराल अंतराल माइनस इन्फिनिटी से फोर बाई थ्री और टू से इन्फिनिटी में एफ डैश एक्स जीरो से बड़ा है, जीरो से बड़ा है ना, तो इसलिए एफ एक्स माइनस इन्फिनिटी से फोर बाई थ्री यूनियन टू से इन्फिनिटी में वर्धमान फलन है, वर्धमान फलन है, वर्धमान फलन है। अच्छा, और फिर क्या देख रहे हैं, दूसरा कंडीशन कि अंतराल अंतराल आपका जो है फोर बाई थ्री से टू में एफ डैश एक्स जीरो से छोटा है, जीरो से छोटा है, इसलिए एफ एक्स अंतराल फोर बाई थ्री से टू में निरंतर ह्रासमान है, ह्रासमान है, ह्रासमान फलन है, ठीक है। तो कितना सिंपल है इसमें क्वेश्चन बनाना, आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। चलिए अब इसमें का एक पंद्रह नंबर